अगर आपके पास सैमसंग M04 डिवाइस आता है FRP अनलॉक करने के लिए, यानी कि गूगल अकाउंट अनलॉक करने के लिए, तो दोस्तों जब आप अनलॉक टूल ओपन करेंगे तो उसमें सैमसंग M04 जब सर्च करेंगे तो M04 मॉडल नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे दोस्तों, और कैसे FRP अनलॉक करेंगे अनलॉक टूल से, इस वीडियो में हम आपको प्रोसेस देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अभी हम इमरजेंसी कॉल पे डायल करेंगे *H0*H, तो ये मोबाइल में टेस्ट मोड ओपन नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि मोबाइल को शट डाउन कर लेंगे, यानी कि पावर ऑफ, और अब इस मोबाइल को हम डाउनलोड मोड पे लाएंगे। तो डाउनलोड मोड पे लाने के लिए दोस्तों मोबाइल का सिंपली क्या करना है कि वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके और नॉर्मली आपको कंप्यूटर से अटैच करके डाटा केबल को लगा देना है। ये मोबाइल ऑटोमेटिक डाउनलोड मोड पे आ जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों अनलॉक टूल में रीडिंग इन्फॉर्मेशन ओके लिख आ जाता है, और यहाँ पे टोटल उसका मॉडल नंबर भी लिख के आ जाएगा, और एक ही सेकंड के अंदर अंदर दोस्तों आपका रेजिंग FRP भी ओके हो जाता है। तो दोस्तों इसको आप कैसे यहाँ पे सर्च करेंगे अनलॉक टूल में, सबसे पहले सैमसंग पे क्लिक करना है, उसके बाद से नॉर्मली आप सैमसंग M04 अगर सर्च करते हैं तो ये यहाँ पे मॉडल नहीं आता, तो A04 सर्च कर लीजिएगा। और उसके बाद से ओडिन मोड पर यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, देख सकते हैं ओडिन मोड पे है, इरेज FRP 2023 करके एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करके नॉर्मली आपको सिर्फ मोबाइल को PC से कनेक्ट कर लेना है, मोबाइल को डाउनलोड मोड पर ला करके, यानी कि ओडिन मोड पर ला करके आपको मोबाइल को PC से कनेक्ट करना है। PC से कनेक्ट करते हैं दोस्तों, वन क्लिक में ही दोस्तों इरेजिंग FRP ओके हो जाए। जिस प्रकार से दोस्तों हम लोग टेस्ट मोड पे ओपन करके मोबाइल को FRP अनलॉक करते हैं, सेम उसी तरह से समझिएगा कि ये ओडिन मोड पर भी आकर के इरेजिंग FRP आप आसानी से कर सकते हैं। अगर अनलॉक टूल में मॉडल नंबर नहीं भी मिलता है तो आपका मोबाइल का FRP अनलॉक 100% हो जाएगा, मोबाइल ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाता है, और फाइनली में स्क्रीन पर वेलकम लिख किया जाता है। बस आपको यहाँ पे एंड्रॉयड सेटअप कंप्लीट करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे चूज वाईफाई नेटवर्क में स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आसानी से ये नेक्स्ट हो जा रहा है और स्किप भी हो जा रहा है। गूगल सर्विसेज को यहाँ पे आपको एक्सेप्ट कर लेना है, और यहाँ पे प्रोटेक्शन योर फोन में अगर आप चाहे तो पैटर्न पिन पासवर्ड अभी भी लगा सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। स्क्रीन पर यूआर ऑल सेटअप लिख के आ चुका है, फाइनली में फिनिश पर क्लिक कर देना है। यहाँ से दोस्तों मोबाइल कम्प्लीटली एंड्रॉयड सेटअप कम्प्लीट हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं यहाँ से आपको जरूर रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।